हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, हम लोग आज जाने वाले हैं गिरौदपुरी धाम। गिरौदपुरी में जैत खाम है। दोस्तों, आपको बता दें, गिरौदपुरी जैत खाम की ऊंचाई लगभग 77 मीटर यानी 243 फीट है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो 237 फीट ऊंची है। सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाने के लिए एक स्पाइरल सीढ़ी भी बनाई गई है। इसके अलावा लिफ्टों को विशेष रूप से बुजुर्गों, विकलांगों, बच्चों और महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जैत खाम की ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक है। दोस्तों, जैत खाम क्या है? जैत खाम सतनामियों के सत्य नाम का प्रतीक, जय स्तंभ, साथ ही यह सतनाम पंथ की विजय कीर्ति को प्रदर्शित करने वाली आध्यात्मिक पताका है। आमतौर पर सतनाम समुदाय के लोगों द्वारा अपने मोहल्ले, गांव में किसी चबूतरे या प्रमुख स्थल पर खंभे में सफेद झंडा लगा दिया जाता है, जिसे जैत खाम कहा जाता है। यहां कई तरह के धार्मिक क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। जैत खाम शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। गिरौदपुरी में जो जैत खाम बनाया गया है, यह सामान्य तौर पर जो जैत खाम बनाया जाता है उससे बिल्कुल अलग है। यह बहुत भव्य है, साथ ही इसे बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हम गिरौदपुरी कैसे पहुंच सकते हैं? गिरौदपुरी जैत खाम पहुंचना बहुत ही आसान है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 135 किलोमीटर दूर है। बलौदा बाजार होते हुए गिरौदपुरी आसानी से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है। निकटतम रेलवे स्टेशन गिरौदपुरी धाम आने के लिए भाटापारा, रायपुर, बिलासपुर एवं महासमुंद रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग गिरौदपुरी धाम, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, सिबरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़ इत्यादि शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आर फैमिली ढाबा, खाना वाना खा लिए हैं, अब चलते हैं। अभी शाम का हो गया 4:30 बज गया, अब चलिए चलते हैं आगे गिरौदपुरी के लिए। रोटी चावल सब्जी मंगा लिए, 250 रुपये, 1550 का बिल हुआ, अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, महानदी और जोंक नदियों के संगम पर बलौदा बाजार से 40 किलोमीटर और बिलासपुर से 80 किलोमीटर दूर गिरौदपुरी धाम स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे पूजनीय तीर्थ स्थल है। यह गिरौदपुरी जैत खाम सतनामी समुदाय के लोगों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पूरे साल भक्तों का आना जारी रहता है, लेकिन फागुन पंचमी में हर साल 3 दिवसीय मेले के दौरान लाखों की संख्या में लोग गिरौदपुरी आते हैं। दोस्तों, हमें यह स्तंभ कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगता है। इस सफेद स्तंभ की वास्तुकला इतनी शानदार है कि लोगों की आंखें चकरा जाती हैं। यह वायुदाब और भूकंप प्रतिरोधी है और आसमानी बिजली से और आग से बचाव के लिए उच्च तकनीकी प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 7 बालकनियां भी बनाई गई हैं, जहां आगंतुक अपने आसपास के खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य को देख पाएंगे। इस भव्य जैत खाम को गिरौदपुरी में बनाए जाने के पीछे भी ऐतिहासिक कारण। आइए चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं आखिर इसे गिरौदपुरी में क्यों बनाया गया। गिरौदपुरी आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक रुचि के साथ गहरे संबंध वाला यह छोटा सा गांव छत्तीसगढ़ के सतनामी गुरु घासीदास जी का जन्म स्थान है। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील में बिलासपुर रोड पर एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए बाबा जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हीं गुरु घासीदास बाबा के सम्मान में राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की लागत से 243 फीट ऊंचे जैत खाम का निर्माण कराया गया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और जानते हैं आगे जैत खाम के बारे से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले बारिश करेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर उसके बाद
उल्लू बोलेगा टुटू कटप्पा कपट्टा। उन्हें 5 बजा है और 5 बजे लगभग शायद बंद हो जाता है, तो हम लोग घूमते हैं जल्दी है। अभी देखते बाद चलेंगे, बाद हम लोग। अरे यार चलो चलो, नहीं है अपने पास कुछ, देख सकते हैं। चढ़ने के लिए था सीढ़ी सीढ़ी। चलिए गए, सुंदर दिखते हैं हम लोग, इधर से प्रवेश है, देख सकते हैं जायद खान। चले जी आगे, क्या क्या है कैसे है आगे, और चलते हैं देखते हैं। पूरा बैरिकेड तो लगा हुआ है किनारे से, कितना फीट ऊंचा उसमें लिखा है क्या नहीं देखे, पूरा देख सकते हैं चारों तरफ घूमने वाले। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरा चारों तरफ तो गार्डन लगा हुआ है किनारे में, गमले में देख सकते हैं आप लोग। और ये ऊपर इस तरह से कुछ जायद खाम, आज 24 दिसंबर 2022 हम लोग आ गए जायद खाम यहाँ, और घूम के जा रहे हैं दोस्तों। देखना सुना हो गया, ऊपर तो चढ़ नहीं पाए, बहुत लंबे टाइम से बंद है, देख सकते हैं आप लोग कितना लंबा अच्छा टावर है, लाइटिंग बढ़िया। अरे वो कहाँ उतर गया, गड्ढे उड्ढे में डूब जाएगा तो। सब लोग आ गए घूम के, देख सकते हैं। बाबू तू क्या कर रहा है, ये तो स्विमिंग पूल में उतर गया, हाँ करो, स्विमिंग पूल में उतर गया, बिना पानी का नहा रहा है, देख सकते हो। चलिए भाई अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद यहाँ आना हुआ, मस्त मौसम है, फोटो तो लेने के लिए अच्छा, अभी बढ़िया तो खड़े हो ना यहीं। चलो गैस, 5 बज गया और सब लोग वापस, बंद होने वाला है, 5 बजे बंद हो जाता है, चलिए वापस चलते हैं। चलो गैस चलते हैं, हो गया अभी का काम, देख लिए पूरा गेट का बंद करा चुकी है, सब लोग लगभग वापस, ये होने वाला है गेट बंद। देख सकते हैं ठेला वेला इसमें शामिल हुआ है, बच्चे लोग थक थक गए बैठे हुए हैं। इधर क्या लगा है, मेला लगा है क्या,
उधर पूरा मेला वेला लगा होगा जैसे लग रहा है, झूल क्या बोलते हैं। चलो शाम को 5:15 लगभग बज गया, चलते हैं अपने गड्डी में। अब चढ़ने सकी रहती क्या, देखे कि नहीं चढ़ लेंगी सब अंदर। अच्छा लगा, चलो चढ़ने नहीं सकी रहती सब। चलो भाई अब चलते हैं। रायगढ़ यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर, 112 हो गए, 12 लिखा है, 112 किलोमीटर।